हे फ्रेंड जय श्री कृष्णा स्वागत है आपका मेरी किचन में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिल्ली के फेमस छोले कुलचे के छोले की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटे और हेल्दी होते हैं और इसमें एक बूंद भी तेल यूज़ नहीं होता है आप चाहें तो इसे कुलचे के साथ खाएं या फिर पाव या फिर ब्रेड के साथ खाएँ या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं चाट की तरह इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा शानदार आता है तो वह चलिए शुरू कर लेते हैं रेसिपी तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप मटर लिए थे जिसको मैंने ओवरनाइट के लिए सोक कर दिया है आप कम से कम छः से सात घंटे के लिए इसे ज़रूर सोक करें ये सफ़ेद रंग के मटर होते हैं ईजीली मार्केट में मिल जाते हैं अब यहाँ पर देख सकते हैं ये मटर एकदम अच्छे से फूल चुके हैं और यहाँ पर मैंने एक कप मटर लिए हैं जिसमें आप आराम से दो से तीन लोगों के लिए छोले बना सकते हैं अब हम एक प्रेशर कुकर ले, ले लेंगे और इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और ये जो मटर हैं इनको हम प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे इसके साथ ही हम इसमें पानी डाल देंगे तो बस देखिए पानी यहाँ पर हमको ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये जो मटर होते हैं ना ये सूखे ही बनते हैं मतलब लटपट होते हैं ग्रेवी वाले नहीं होते हैं तो एक कप मटर के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ देखिए दो कप पानी डाला है आपको पानी इतना ही डालना है जिसने में छोले आराम से भीग जाएँ बहुत ज़्यादा ऊपर तक आपको पानी नहीं डालना है अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच नमक और एक चुटकी हम इसमें ही हल्दी डाल देंगे हल्दी इसमें ज़्यादा नहीं डलती है आप प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और हाई फ्लेम पे पहले हम इसमें चार सीटी आ जाने देंगे और उसके बाद लो फ्लेम पे पाँच मिनट तक के लिए हम इसको पका लेंगे और बस लो फ्लेम पे पाँच मिनट पकाने के बाद गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे उसके बाद प्रेशर कुकर को अपने आप ही ठंडा हो जाने देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रेशर कुकर ठंडा हो चुका है प्रेशर रिलीज़ हो चुका है तो खोल के चेक कर लेते हैं कि हमारे मटर गले हैं कि नहीं और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो मटर हैं बिल्कुल परफेक्टली गल चुके हैं एकदम एक एक दाना जो है ना बिल्कुल अच्छे से मैश हो रहा है और पानी भी देख सकते हैं आप बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है एकदम इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए होती है हमें छोले कुलचे वाले छोले बनाने के लिए और यहाँ पे एक मटर का दाना मैं आपको चेक कराती हूँ ये देखिए एकदम जब हम इसको इस तरह से मैश कर रहे हैं ना दाना एकदम अच्छे से मैश हो रहा है एक भी दाना इसमें खड़ा खड़ा नहीं है मतलब कड़ा बिल्कुल भी नहीं है और आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं छोलों की एकदम परफेक्ट आई है तो इसलिए आप जब भी वो छोले उबालें तो पानी इसमें शुरू में आप ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालें अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आपको फिर हाई फ्लेम करके इसका पानी सुखाना पड़ेगा उसमें बहुत ज़्यादा गैस भी वेस्ट हो जाती है और फिर छोले का टेस्ट भी नहीं अच्छा आता है तो अब चलिए इसके लिए एक मसाला रेडी कर लेते हैं तो यहाँ पे एक खलबट्टे में मैंने आधा छोटा चम्मच नमक डाला है आधा चम्मच जीरा पाउडर भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है और आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे तीखी वाली लाल मिर्च डाली है नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक हमने छोले उबालते समय भी डाला है तो ध्यान से डालें एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर और एक चम्मच चाट मसाला एक चौथाई चम्मच गरम मसाला डालेंगे अब इन सारी चीज़ों को हम खलबट्टे में एकदम अच्छे से इस तरह से पीस लेंगे जिससे कि सारे मसाले जो है ना एकदम एकसार हो जाए आप चाहें तो इसको मिक्सी में चला के भी एक समान कर सकते हैं लेकिन इस तरह से खलबट्टे में भी करने से ना ये आसानी से हो जाता है तो यहाँ पे देखिए हमारा छोले कुलची के लिए एकदम चटपटा सा मसाला हो गया है बनके तैयार अब हम क्या करेंगे जो छोले हमने उबाले हैं इनको हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें भी हमें ये मटर बनाने हैं अब हम इसमें क्या करेंगे डाल देंगे हरी धनिया पुदीने की चटनी जो हम बनाते हैं घर में हमेशा जो धनिया पुदीना नींबू हरी मिर्च वगैरह डाल के जो चटनी बनाते हैं ना वही चटनी है ये थोड़ी सी हम इमली की जो खट्टी मीठी चटनी बनाते हैं वो डालेंगे इसमें और ये जो मसाला हमने तैयार करके रखा है ना ये सारा मसाला इसमें डाल देंगे इसके साथ ही हम इसमें एक बारी कटा हुआ प्याज डाल देंगे एक बारी कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और धनिया पत्ती डाल देंगे अब इन सारी चीज़ों को हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कभी अगर आपने दिल्ली की स्ट्रीट्स पे ये छोले कुलचे खाए हैं तो आपने देखा होगा कि वो एक मसाला तैयार करके रखते हैं तो वो लोग क्या करते हैं इसी तरह से एक मसाला तैयार कर लेते हैं सारे मसाले को मिक्स करके और वो लोग खट्टी मीठी चटनी और धनिए पुदीने की चटनी को भी मिक्स करके रखते हैं और फटाफट से ये एक मसाला और चटनी मिलाते हैं अच्छे से मिक्स करके फटाफट बना देते हैं अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को अब हम इसमें आधे नींबू का रस डाल देंगे खट्टापन लाने के लिए अब ऐसे हमने इमली और धनिया पुदीने की चटनी डाली उसमें भी खटाई है तो आधी नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया है अच्छे से फिर से हम एक बार सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे इसी स्टेज पे आप नमक वगैरह टेस्ट कर सकते हैं कुछ भी अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं कोई भी चीज़ घर में बनाने से यही फ़ायदा होता है कि हम उसे अपने हिसाब से बना सकते हैं जैसी खटाई या फिर जैसा तीखा हम लोगों को पसंद है आप वैसा यूज डाल लें तो हरी मिर्ची पसंद है तो आप इसमें बारीक बारीक काट के हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं तो बस यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये हमारे छोले कुलचे वाले छोले हो गए हैं बनके तैयार तो चलिए अब इसे जल्दी से सर्व कर लेते हैं देखिए दिखने में ही लग रहे हैं एकदम मार्केट स्टाइल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और हेल्दी भी होते हैं क्योंकि देखिए हमने इस पर एक बूंद भी तेल यूज़ नहीं किया है ऊपर से थोड़ा गार्निशिंग करने के लिए थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे साथ में थोड़ी सी हरी मिर्ची भी रख देंगे जिससे ये देखने में भी अच्छा लगेगा और किसी को खाना होगा तो हरी मिर्ची भी साइड में से लेके खा सकते हैं तो फ्रेंड्स ये हमारे छोले हो गए हैं बन तैयार तो मैं आज इसे सर्व कर रही हूँ गर्मा गर्म कुल्चे के साथ तो कुलचों को मैंने यहाँ पे पहले तवे पे सेक लिया है कुलचों को सेकने के लिए मैंने थोड़ा सा मक्खन और थोड़ा सा धनिया डाल दिया है और बस इसी तरह से उलटते पलटते हुए तमाम कुल्चों को अच्छे से इस पर सेक लेंगे पहले भी मैंने एक छोले कुल्चे दोनों की रेसिपी शेयर करी है उसमें मैं कुल्चे की रेसिपी आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ तो फ्रेंड्स आप भी ऊपर इस तरह से बनाएं एंजॉय करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें और आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग